बालसम का पौधा है और देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं, इसको गुल मेहंदी भी बोलते हैं। और ये देखिए आप, अक्टूबर का महीना चल रहा है, कितने अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं इसमें इसमें, और मेरे पास रेड रेड में तो ये है और वाइट और पिंक में भी है। और इस वक्त मुझे सीड कलेक्शन करना है और ये सीड कलेक्शन मैं अगले साल जून जुलाई में लगाऊंगा जब रेनी सीजन आता है। उस वक्त इसके सीड अगर आप जमीन में ऐसे भी डाल दोगे या पॉट में डाल दोगे बहुत आराम जनरेट हो जाते हैं। रेनी सीजन में इसके प्लांट जो है बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, फ्लावर्स आते हैं। लगाने को आपसे फरवरी में भी लगा सकते हैं, लेकिन फरवरी में आप लगाएंगे तो मई जून में बड़े होंगे और फ्लावर्स उसमें तब नहीं आते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी होती है। तो स्पेशली अगर इसको रेनी सीजन में लगाते हैं तो ये अक्टूबर नवंबर बहुत अच्छे फ्लावर्स इसमें आते हैं। इस वक्त इसमें अब जो है कुछ मेरे पौधे सूख रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ये फूल तोड़ दिया तो और फ्लावर्स आएंगे, नहीं। एक बार फ्लावर्स आते हैं लेकिन एक महीने तक लगे रहते हैं, कई बार तो डेढ़ महीने तक रहते हैं ये। तो अब इसमें सीड इसमें तो नहीं आए हैं लेकिन कुछ पौधों में सीड आ गए हैं, जैसे वो देखिए वो जो है उसमें दो ही फ्लावर्स है। अब ये अपने आप खत्म हो जाएगा, ये इसके बाद सूख जाएगा, तो इसमें सीड आ गए हैं। तो हम सीड कलेक्शन करेंगे और सीड को कलेक्शन करने के बाद उसको एक साल के लिए कैसे स्टोर करना है वो मैं बताता हूँ। तो पहले हम उस सीड के पास चलते हैं। तो इसमें सीड हम ले सकते हैं, आपको मैं बता दूँ, जैसे ये है तो इसमें ये देखिए आप, ये जब ये ब्राउन हो जाते हैं तो पूरे हो गए हैं ये, और ये आप हटा दीजिए। अगर एक डिफरेंस आपको बता दूं, जैसे कि कोई ग्रीन रहेगा तो वो अभी नहीं है, जैसे ये ग्रीन है तो इसमें जो है आपको सीड जो है, इसको यहाँ रख देता हूँ, ये जो है आपके सीड देखिए वाइट वाइट दिखेंगे, तो ये काम के नहीं है, ये अभी पके नहीं अच्छे से। तो इसका एक डिफरेंस और है कि ये आप देखिए हल्का ग्रीन है, लाइट ग्रीन, और ये डार्क ग्रीन है। तो ये डिफरेंस है, अगर लाइट ग्रीन है तो सीड पक गए हैं, ये आराम से ये देखिए पक गए हैं ये। ये जब आप सारे सीड कलेक्ट कर लें तो कुछ टाइम के लिए इसको आप शेडेड एरिया में रखें ताकि इसकी थोड़ी नमी कम हो जाए, क्योंकि नमी कम होनी जरूरी है। एक्चुअली में सीड अगर आपको कलेक्शन करना है तो उसमें आप तीन चीज़ें रिक्वायरमेंट है, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, उसमें जो है सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, कोई भी लाइट नहीं पड़नी चाहिए, और हवा नहीं लगनी चाहिए। ये तीन चीज अगर उसको नहीं मिलेगी तभी आपके सीड एक साल के लिए स्टोर हो सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, अगर घरेलू बताऊं तो मैं, ये कोई भी ऐसा डिब्बा ले लीजिए, जैसे मेरा बोरोलिन का है, ऐसा डिब्बा ले लीजिए, इसमें सीड डाल दीजिए, और या फिर ये जिप लॉक वाली पन्नियां आती है ऐसे इसमें डाल दीजिए, और जो आपका कपड़े रखने के जो अलमारी होती है उसमें कहीं इसको रख दीजिए, और अगले साल जब मैं जून जुलाई होगा तब इसके सीड में निकालूंगा। लेकिन इतना जरूर करना कि जब आप सीड निकालते हैं तो कुछ इसमें नमी रह जाती है, तो एक दो घंटे आप इसको जो है सीड एरिया में रखें ताकि इसकी हल्की नमी निकल जाए, नहीं तो क्या होगा कि इसमें फंगस आ जाएगा और ये सीड बेकार हो जाएंगे। तो इसकी सीड मैं कलेक्शन कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। दोस्तों ये वाइट ब्लॉसम है और ये पिंक है और इधर भी ये पिंक है, ये मैंने नहीं लगाई, ये गिलहरी ने लगाई। गिलहरी क्या करती है, इसके जो सीड है वो ये खाती है, और खाने के बाद जो ये सीड है खाने के बाद वो अपने भोजन इन फ्यूचर के लिए इकट्ठा करती है, और कई बार वो भूल जाती है कहाँ पर मैंने रखा है। तो ये सारे जो सीड हैं, ये जो पौधे आए हैं, ये गिलहरी ने लगाए हैं एक तरह से। ये सीड मेरे को कलेक्ट करने हैं ताकि मैं अगले साल इसको लगा सकूं, और अगर किसी को सीड चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताएं, इसमें कमेंट में डालें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।